ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर है आपका सेल साइकिल। चैप्टर है आपका सेल साइकिल। आप सबको रिकॉल करने का चांस दे रहा हूं कि आप में से मुझे कोई बता दे गॉल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आप में से मुझे कोई बता दे कि गॉल्जी बॉडी जो है उसका फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी बॉडीज का फंक्शन जो है वो क्या होता है। और क्या फंक्शन है? कह रहा हूँ एक फंक्शन आपने बताया सेल सीक्रेशन। सेल सीक्रेशन में टू सीक्रेट सीक्रेशन। और इसके अलावा गॉल्जी बॉडीज के फंक्शन आपको आने चाहिए। गॉल्जी बॉडीज का एक काम आपको बताए कि दिस इज कंसर्न विद, दिस इज कंसर्न विद सेल सीक्रेशंस। ठीक है, सेल सीक्रेशन से जो है वो कंसर्न होता है। इसके अलावा और क्या काम करता है? मॉडिफिकेशन। एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से जो चीजें निकल के आती हैं, ठीक है, एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से जो चीजें निकल के आती हैं, उसको वो क्या करता है? उसको जो है वो मॉडिफाई करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज बाय एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज बाय एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम क्या है? इसका बहुत अहम तरीन काम है जिसकी वजह से मैं आपको सिर्फ गॉल्जी बॉडीज के बारे में बता रहा हूं। इसका बहुत अहम तरीन काम है सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, इट इज कंसर्न विद सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन जो है ये उससे कंसर्न होता है। ठीक है, इट इज कंसर्न विद सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन किसे कहते हैं? लेकिन एक सेल है, माइटोसिस के दौरान जो है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये बात शायद आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में एक दीवार बन जाती है जो अल्टीमेटली इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देती है। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, ये दीवार कहलाती है सेल प्लेट। ठीक है, दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो आपको दीवार नजर आ रही है
दीवार अगर आपकी है सेंट्रिक, इस दीवार के बनने में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं ये आपके जमा होते हैं, कहां से आती है ये पैकेट्स, ये आती है गोल्जी बॉडीज, ठीक है, कहां से आते हैं, आते हैं गोल्जी बॉडीज, जब गोल्जी बॉडी से ये पैकेट्स आते हैं तो ये दरमियान में आके जमा होते हैं और अल्टीमेटली एक दीवार बना देते हैं, ठीक है, अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे दरमियान में एक अगर दीवार बना दे, इस दीवार को हम कहते हैं सेल प्लेट। तो गोल्जी बॉडीज के बहुत सारे काम है, उसमें आपने ये वाला काम जरूर याद रखना है, सेल प्लेट फंक्शन, ठीक है, इट इज कंसर्न विद और इट इज एसोसिएटेड विद सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। चले गॉल्जी बॉडीज के बाद आइए फर्दर, आपसे बात करूंगा अगला सेल ऑर्गेनेल है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है वो दो सेंट्रियोल से मिलके बनता है, ठीक है, सेंट्रोसोम जो है वो दो सेंट्रियोल से मिलके बनता है। आप सब लोग अपने जहन में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, आप लोग अपने जहन में रिकॉल कर लें, ठीक है, आप लोग अपने जहन में रिकॉल कर लें कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर स्टार लाइक होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार लाइक होता है और ये कंप्राइज करता है 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स के ऊपर, इस कंप्राइजेस ऑफ 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स, ये मुश्तमिल होता है 9 पैरेलल ट्रिपलेट्स, दो सेंट्रियोल्स मिलकर कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, ठीक है, दो सेंट्रियोल्स मिलकर कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं, ठीक है, दो सेंट्रियोल्स मिलकर कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं। चलिए सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है, सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है कि आपके पास ये एक अलग सेल है, ठीक है, ये आपके पास एक अलग सेल है, इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है, इसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे, इससे क्या होता है क्रोमोसोम्स अल्टीमेटली अटैच हो जाए, ठीक है, जिसके साथ क्या होता है क्रोमोसोम जो है वो अल्टीमेटली अटैच हो जाता है और फिर ये क्या करते हैं, फिर ये पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स करते हैं, दे हैव इन द पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की पुलिंग में रोल प्ले करते हैं। तो जो हमारी बेसिक्स है सेल साइकिल पढ़ने के लिए, जो बेसिक है उसके अंदर आपको गॉल्जी बॉडीज का फंक्शन पता होना चाहिए, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का जो फंक्शन है वो जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है,
चलिए इसके बाद आइए और क्या बेसिक्स पता होनी चाहिए। इसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स आपको बताने जा रहा हूँ। डिप्लॉइड किसे कहते हैं, हैप्लॉइड किसे कहते हैं, होमोलोगस सोमैटिक सेल किसे कहते हैं, जर्म सेल किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सब बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इसको जरा कॉपी करें, ठीक है, इसके बाद आगे बात कर रहा हूँ आपसे। 1 से 2 मिनट देना आपको कॉपी करने। इसके वेरी नेक्स्ट आपसे बात करने जा रहा हूं, सोमैटिक सेल किसे कहते हैं और जर्म सेल किसे कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल किसको कहते हैं, जर्म सेल किसको कहते हैं। और से सुनिएगा, हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं, जर्म सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं। जरा डिप्लॉयड का मतलब समझ लें, इंसानों में क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो है 46। ठीक है, इंसानों में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो है 46। इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड नंबर। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को डिफाइन करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल कहलाता है डिप्लॉयड नंबर। इंसानों का डिप्लॉयड नंबर है 46, मच्छर का डिप्लॉयड नंबर है 6, इंसानों का हैप्लॉयड नंबर है 23। ठीक है, इंसानों का हैप्लॉयड नंबर, हैप्लॉयड नंबर को डिफाइन करते हैं हाफ ऑफ द टोटल नंबर, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड हैप्लॉयड। ठीक है, इंसानों का हैप्लॉयड नंबर है 23, इंसानों का डिप्लॉयड नंबर है 46। अच्छा, सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स, दीज आर डिप्लॉयड सेल्स दैट अंडरगो माइटोसिस। ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जिनमें माइटोसिस होती है। जर्म सेल्स किसे कहते हैं, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस। मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स भी कान खोल के सुनने डिप्लॉयड होते हैं, जर्म सेल्स भी डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होती है, जर्म सेल्स में मियोसिस होती है।
डिप्लॉयड किसे कहते हैं, डिप्लॉयड नंबर या डिप्लॉयड कहते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड डिप्लॉयड नंबर। और हैप्लॉयड नंबर किसे कहते हैं, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड हैप्लॉयड नंबर, ठीक है। क्रोमोसोम्स की जो आधी तादाद होती है वो चीज क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके पास हैप्लॉयड नंबर, ठीक है। सो द वन इज डिप्लॉयड और डिप्लॉयड नंबर एंड द अदर इज हैप्लॉयड और हैप्लॉयड नंबर, ठीक है। चले इसको नोट कर लें, फिर आगे आपसे बात करते हैं। सोमैटिक सेल, जर्म सेल्स, डिप्लॉयड नंबर, हैप्लॉयड नंबर, इसके बारे में आपसे बात हुई है। इसके बाद आइए फर्दर आपसे बात कर रहा हूं, नेक्स्ट टू इट इज अभी तक हम असल चैप्टर की तरफ नहीं आए, असल टॉपिक की तरफ नहीं आए। चैप्टर है आपका सेल साइकिल, ठीक है, चैप्टर है आपका सेल साइकिल। चलिए इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर, ठीक है, इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर, नेक्स्ट टू अटैच होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, और से सुनिएगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में एक सेल के अंदर मैं अपनी स्किन का एक सेल अगर निकालूं, स्किन के एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, या दूसरे लफ्जों में 23 पेयर्स मौजूद होंगे, ठीक है, या दूसरे लफ्जों के अंदर 23 पेयर्स मौजूद होंगे, ये है कि आपके पास ये
एक क्रोमोसोम है, इस जैसा एक और क्रोमोसोम आपको मिलेगा सेल के अंदर, ठीक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इस जैसा आपको एक और क्रोमोसोम मिलेगा। तो आपके पास सेल के अंदर जो है हर क्रोमोसोम की एक और कॉपी आपको मिलेगी, तो ये क्रोमोसोम क्या कहलाता है, कहलाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, क्रोमोसोम्स विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड जीन्स कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड जीन्स कॉल्ड होमोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, वो क्रोमोसोम जो शेप साइज और जीन्स के अंदर सेम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके पास कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। चलिए, अच्छा, ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में एक जैसे नहीं है, तो ये कराएंगे नॉन होमोलोगस, ठीक है। ये क्या कराएंगे, ये कराएंगे नॉन होमोलोगस आपस में, ये दोनों आपस में सेम है होमोलोगस, ये दोनों आपस में सेम है होमोलोगस। शेप का क्या मतलब है, आगे देखेंगे कि आपके पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ा हुआ है, ये आपके पास सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ये आपके पास एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। तो आप इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास क्रोमोसोम की जो शेप है वो सिमिलर है, ठीक है। क्रोमोसोम की जो शेप है आपके पास वो सिमिलर है, इस लिहाज से हम क्या कहेंगे, इस लिहाज से हम कहेंगे दैट दे आर व्हाट, दे आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड जीन्स, ठीक है, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। चलिए, तो कॉमन टर्म्स में आपसे ये वजीद टर्मोलॉजी जिसके बारे में भी बात हो गई। अच्छा, थोड़ी सी मैं आपको होमोलोगस के बारे में और विजात कर दूं। ये पी पार्ट है, ये टू पार्ट, ये पी वन, ये पी टू, ये पी थ्री, ये पी फोर, ये पी फाइव, ये पी सिक्स, ये पी सेवन, अब और से सुनिएगा, अगर इसका तीसरा जीन आई कलर को कंट्रोल करता है तो इसका भी आपके पास एक दो तीन, इसका भी तीसरा जीन जो है तो आपके पास किसको कंट्रोल करेगा, वो आई कलर को कंट्रोल करेगा, तो इस लिहाज से आपको दोनों में रिजेम्बलेंस मिलेगी।
ठीक है, इस लिहाज से आपको जो है वो दोनों के अंदर रिजेम्बलेंस मिलेगा। अगर मैं आपसे कहूं इसका 100 जीन जो है वो बालों के कलर को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसका 100 जीन जो है वो बालों के कलर को कंट्रोल करता है, तो इसका भी 100 जीन जो है वो बालों के कलर को कंट्रोल करेगा। यानी कि आपके पास जीन्स की जो पोजीशन होगी, जीन्स का जो लोकस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, जीन की जो पोजीशन होगी, जीन का जो लोकस होगा वो बिल्कुल सेम होगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड जीन्स, दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। चले तो अभी तक आपसे ये बेसिक्स के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, आपसे अभी तक ये बेसिक्स के बारे में बात हो रही थी कि बेसिक्स इसकी दरअसल क्या है। अच्छा, सेल साइकिल का आपका चैप्टर है, इसके अंदर दरअसल आपने माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बेटा पढ़ना है, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। सेल डिवीजन कौन सी है, माइटोसिस है और मियोसिस, ठीक है, तो बारी बारी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम सेल साइकिल का मतलब आपको बताने जा रहे हैं। इस सेल साइकिल का एक्चुअली मतलब क्या है, सेल साइकिल से मुराद है सेल साइकिल की पूरी जिंदगी। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लें, ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद मैं आगे बात करूंगा आपसे। होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन है, क्रोमोसोम विच आर सिमिलर इन शेप साइज एंड जीन्स कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम।
उसके बाद आइए आपसे बात करने जा रहा हूँ सेल साइकिल के बारे में। देखिए सेल साइकिल से मुराद है सेल की पूरी जिंदगी। सेल साइकिल से मुराद है सेल की पूरी जिंदगी। सेल की पूरी जिंदगी में एक फेज आता है नॉन डिवाइडिंग फेज, जो कि असल फेज होता है, और एक फेज होता है डिवाइडिंग फेज। एक है नॉन डिवाइडिंग फेज और एक है डिवाइडिंग फेज। सबसे पहले आपसे बात करूंगा नॉन डिवाइडिंग फेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपसे बात करूंगा नॉन डिवाइडिंग फेज के बारे में। नॉन डिवाइडिंग फेज में आपके पास G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। ठीक है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज का मतलब है गैप वन फेज। S फेज का मतलब है सिंथेटिक फेज, और G2 फेज का मतलब है आपके पास गैप टू फेज। गैप टू फेज, ये वाला फेज कहलाता है आपके पास डिवाइडिंग फेज। ठीक है, अच्छा बारी बारी आपको बताऊंगा। देखिए डिवाइडिंग फेज में आपके पास अगर सोमैटिक सेल है तो वो माइटोसिस करेगा, अगर वो जर्म सेल है तो वो मियोसिस करेगा। ठीक है, सोमैटिक सेल है तो माइटोसिस करेगा और अगर जर्म सेल है तो वो मियोसिस करेगा। चलिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लें। ये सवाल अगर किसी के जहन में है तो बेटा आप मेंटेस कर सकते, आपके पास हैंड रेज का ऑप्शन है। ठीक है, आप उसको हैंड रेज कर सकते हैं। गैप वन फेस सिंथेटिक, SYNTHETIC सिंथेटिक फेस, और G2 फेस। सिंथेटिक फेस में सिंथेसिस हो रही है, किसकी सिंथेसिस हो रही है? DNA की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, DNA की सिंथेसिस हो रही है, इसलिए हम इसको सिंथेटिक फेस का नाम ले रहे हैं।
महामर्षद ये बताइएगा जरा कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उसको प्रेस कर दें। हाँ, न्यूक्लियर माइटोसिस महामर्षद क्या होती है? सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के गायब हुए बगैर जो माइटोसिस होती है तो शाबाश, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअपीयरेंस के बगैर जो माइटोसिस होती है न्यूक्लियर माइटोसिस। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है, यानी कि सिर्फ आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, क्लास के तमाम पार्टिसिपेंट्स जो तकरीबन 70। अच्छा एक बात बेटा और बताओ मुझे, ये तुमने पढ़ा कहाँ था ये फर्स्ट ईयर में? कौन से चैप्टर में ये पढ़ा था, किसकी फीचर माइटोसिस? सर, सेल के चैप्टर में पढ़ा था। नहीं, सेल के चैप्टर में तो आई नहीं, ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट में नहीं पढ़ा। सोचें, आप बताएंगी? चले, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।